हेलो एवरीवन, क्या हो अगर मैं आपसे बोलूं कि आज जिस आईफोन को ख़रीदने के लिए आप लाख रुपए तक देते हो, रातों रात गवर्नमेंट की एक ऐसी अनाउंसमेंट से कल से शायद आपको उसी फ़ोन के लिए 1500 से 2000 रुपए देने पड़े, या फिर आज जो पेट्रोल की कीमत लगभग 96 रुपीज़ है, कल से शायद वो 30 से 40 की हो जाए। अगर गवर्नमेंट ये अनाउंस कर दे कि कल से 1 रुपी विल इक्वल टू 1 डॉलर, तो आइए आज इसी टॉपिक से रिलेटेड फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे कि क्या होगा अगर 1 रुपी विल इक्वल टू 1 डॉलर, एंड क्यों ऐसा हुआ कि 1947 से आज तक हमारे रुपए की वैल्यू बस गिरती ही चली गई। एंड उससे भी बड़ा सवाल कि ये जो वैल्यू है करेंसी की, ये डिसाइड कौन करता है? तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फैक्ट नंबर 1, आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 में हमारे रुपए की वैल्यू लगभग 1 डॉलर के बराबर ही थी। वैसे तो कुछ लोग कहते हैं कि 1947 में हमारे रुपए की वैल्यू डॉलर के इक्वली थी, एंड कुछ लोग ये भी कहते हैं कि डॉलर की वैल्यू कुछ 3 रुपए के आसपास थी। फैक्ट नंबर 2, जून 1966 में इंदिरा गांधी ने हमारी रुपए की वैल्यू को 57% से डीवैल्यू कर दिया था, जिसके बाद 1 डॉलर की वैल्यू कुछ 4 से 7 रुपए के आसपास हो गए थे, एंड जिससे कि उनको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा था पार्लियामेंट एंड मीडिया में। अब इसमें डी वैल्यू का मतलब है कि जब गवर्नमेंट खुद से करेंसी की वैल्यू को कम करती है। फैक्ट नंबर 3, अब बात करते हैं ये जो करेंसी की वैल्यू है ये डिसाइड कैसे होती है। एक्चुअली जब भी दो करेंसीज के बीच में कन्वर्जन होता है उसको एक्सचेंज रेट बोलते हैं। ये 3 तरीके के होते हैं। फर्स्ट, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि करेंसी की वैल्यू क्या होगी। जैसे कि गवर्नमेंट कल से बोल देती है कि आज से 1 डॉलर 79 रुपीज़ का नहीं, सिर्फ 10 रुपये में मिल जाएगा, तो ये हो गया फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। दूसरा होता है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। अब इसमें क्या होता है, ये करेंसी की जो वैल्यू है ये डिपेंड करती है मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई में। फॉर एग्जांपल आप यूएस जाते हो ट्रैवल करने, तो वहाँ पर आप कैसे एक्सचेंज करते हो, रुपीज़ में या डॉलर में? ऑब्वियसली डॉलर में। तो पहले आप रुपीज़ के एक्सचेंज में डॉलर को ख़रीदोगे, जिससे कि डॉलर की डिमांड बढ़ती है एंड इससे डॉलर की वैल्यू बढ़ती है। तो ये फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट ऐसे काम करता है। तीसरा होता है मैनेज एक्सचेंज रेट। अब ये फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग का मिक्स है। अब इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट एक कैपिंग लगा देती है कि करेंसी की जो वैल्यू है वो इतने परसेंट से नीचे नहीं गिरेगी या ऊपर नहीं जाएगी। फैक्ट नंबर 4, तो 1993 से पहले हमारे इंडिया में फिक्स्ड एक्सचेंज रेट ही था, लेकिन 1993 के बाद हमने फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट को अडॉप्ट कर लिया। फैक्ट नंबर 5, सो आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया डेवलपमेंट प्लान्स और 1960s में हुई इंडो चाइना इंडो पाक जैसी वॉर की वजह से हमने बाकी देशों से लोन्स लिए थे ताकि हम अपनी इकोनॉमी को बचा सके, लेकिन उन लोन्स को चुकाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे। तो एक बार फिर से गवर्नमेंट ने हमारी रुपीज़ की वैल्यू को डीवैल्यू कर दिया था, जिसके बाद 1 डॉलर की वैल्यू लगभग 7 रुपये के आसपास हो गई थी, ताकि हमारे इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स आ सके एंड हम अपने लोन्स चुका सकें। तो क्या होगा अगर एक्चुअल में 1 रुपए की वैल्यू 1 डॉलर हो जाए, तो चलिए जानते हैं। फैक्ट नंबर 6, मैंने बताया था कि इंडिया का पेट्रोल काफ़ी सस्ता हो जाएगा अगर 1 रुपी 1 डॉलर के बराबर हो गया तो, क्योंकि इंडिया अपना डोमेस्टिक ऑयल 85% के आसपास इंपोर्ट करता है बाकी देशों से। 2020 में इंडिया ने 74 मिलियन टन ऑयल इम्पोर्ट किया था एंड 2021 में 84 मिलियन टन क्रूड ऑयल इम्पोर्ट किया था। सपोज करो अगर आज मार्केट में 1 बैरल क्रूड ऑयल की वैल्यू $100 है एंड इंडिया को आज की डेट में 7,900 रुपये पे करना पड़ता है, तो अगर 1 रुपी 1 डॉलर के बराबर हो जाएगा तो हमें सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये ही पे करना पड़ेगा, जिससे कि पेट्रोल एंड इवन ट्रांसपोर्ट इंडिया में काफ़ी ज़्यादा सस्ता हो जाएगा। फैक्ट नंबर 7, तो अगर 1 रुपी 1 डॉलर के बराबर हो गया तो ट्रैवलिंग तो बहुत सस्ती होने वाली है। आप कहीं भी कभी भी बहुत सस्ते में ट्रैवल कर सकते हो। तो जहाँ आज यूएस के ट्रैवल में फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए लगता है, वहीं फिर आपको कुछ 1200 से 1300 में यूएस का ट्रैवल हो जाएगा। 1200 से 1300 रुपए में दुनिया जीत लोगे आप। फैक्ट नंबर 8, 2018 में 90% से ज़्यादा इंडियंस एग्री हो गए थे हायर सैलरी एंड हायर लिविंग स्टैंडर्ड्स के लिए इंडिया से बाहर के देशों में मूव होना। तो अगर 1 रुपी 1 डॉलर के बराबर हो जाएगा तो फिर कोई सैलरी के लिए बाहर जाएगा, जिससे कि हमारा इंडिया का टैलेंट हमारे इंडिया में ही रहेगा
एंड हमारा देश और ज़्यादा और अच्छे से डेवलप हो। जैसे कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो ऐसे ही इसके अगर कुछ एडवांटेजेस है तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। चलिए जानते हैं। फैक्ट नंबर 9, जैसे कि करेंसी की वैल्यू इंक्रीज होने से जहाँ हमारा इम्पोर्ट भी इंक्रीज हो जाएगा, वहीं एक्सपोर्ट फिर ऑलमोस्ट ठप हो जाएगा, क्योंकि जितनी भी फॉरेन कंट्रीज है वो इंडिया से इसलिए इम्पोर्ट करती है क्योंकि उनको कम पैसों में ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज मिलती है। एंड अगर एक रुपी एक डॉलर के बराबर हो जाएगा, देन वो शिफ्ट हो जाएंगी उन कंट्रीज़ में जहाँ पर उनको हमसे सस्ते में गुड्स मिलेंगे। फैक्ट नंबर 10, हमारे इंडिया का जो सर्विस सेक्टर है जैसे बैंकिंग, सॉफ्टवेयर, आउटसोर्सिंग एक्सेट्रा, जो कि अपनी सर्विसेज को एक्सपोर्ट करते हैं बाकी देशों में, एंड जिसका कंट्रीब्यूशन 2010 से 2020 में 49% से ज़्यादा रहा था हमारी जीडीपी में, उनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाना। एंड अगर कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं होगी तो 32% से ज़्यादा लोग जो कि सर्विस सेक्टर में काम करते हैं रातों रात अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। सेम सिचुएशन आ जाएगी 2008 के इकोनॉमिक क्राइसिस वाली, जब ग्लोबल रिसेशन आया था एंड काफ़ी अमेरिकन कंपनीज डूब गई थी, जिससे कि उन्होंने इंडिया में उनके जितने भी ऑफिसेज थे आईटी सेक्टर में उन्हें बंद करना पड़ा था। सो ये थे कुछ फैक्ट्स अबाउट व्हाट इफ $1 विल इक्वल टू 1 रुपी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको लगता है कि कोई भी ऐसी नई चीज़ आपको पता लगी तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, एंड अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। ऐसे ही मैं आपके लिए और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूँगा। सो कीप क्यूरियस, कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।